और बड़ी खबर फिल्म पद्मावती से जुड़ी हुई। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में अब पद्मावती फिल्म का रिलीज होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद फिल्म को लेकर बड़ा एतराज जता दिया है, आपत्ति जता दी है। और पद्मावती विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर गलत जानकारी देने वाली फिल्मों को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संजय लीला भंसाली पर निशाना साधा और भंसाली को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जो भी भावनाओं को आहत करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो। भावनाओं से खेलने वालों पर क्यों कार्रवाई न की जाए, धमकी देने वालों पर कार्रवाई तो फिल्म निर्माता पर भी कार्रवाई हो। तो यानी कि जो मुख्यमंत्री का रुख है उसे लगता नहीं कि यूपी में फिल्म प्रदर्शित हो पाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उल्टा संजय लीला भंसाली पर कार्रवाई की बात कही। उनका कहना है कि किसी की भी भावनाओं को अगर आहत किया जाता है तो फिर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने सबसे पहले अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन उसमें है ही नहीं। कल उच्चतम न्यायालय ने भी इस मामले में स्थिति स्पष्ट कर दी है। सेंसर बोर्ड को इस बारे में निर्णय लेना है। हम लोगों को जो कुछ कहना था हम लोग सेंसर बोर्ड को पहले लिख के भेज चुके हैं। मुझे लगता है कि हमारी उन भावनाओं को या प्रदेश की 22 करोड़ जनता की इन भावनाओं को सभी लोग सक्षम लोग जान गए हैं और मुझे लगता है कि किसी को भी जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलेगी। यूपी सरकार ने सबसे पहले अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन उसमें है ही नहीं। कल उच्चतम न्यायालय ने भी इस मामले में स्थिति स्पष्ट कर दी है। सेंसर बोर्ड को इस बारे में निर्णय लेना है। हम लोगों को जो कुछ कहना था हम लोग सेंसर बोर्ड को पहले लिख के भेज चुके हैं। मुझे लगता है कि हमारी उन भावनाओं को या प्रदेश की 22 करोड़ जनता की इन भावनाओं को सभी लोग सक्षम लोग जान गए हैं और मुझे लगता है कि किसी को भी जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं। निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए योगी ने धुआंधार प्रचार किया है और अभी कर रहे हैं आगे भी। जौनपुर बलिया मऊ में मुख्यमंत्री की जनसभाएं हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री जौनपुर में जनसभा करने पहुंचे। तिलकधारी डिग्री कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री की जनसभा हुई तो इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। जौनपुर में इत्र और इमरती को वो फेमस करेंगे, विश्व प्रसिद्ध करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 तक हर किसी की अपनी छत होगी, हर किसी को आवास देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा 8 महीने में हमने 11 लाख आवास दिए हैं, 20 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए हैं। तो कुल मिलाकर अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया है। तो अब जौनपुर से बलिया के लिए मुख्यमंत्री रवाना हुए हैं और बलिया में पुलिस लाइन मैदान में जनसभा करेंगे और बलिया के बाद मऊ के लिए रवाना होंगे, जहां जीवन राम इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बिजली की व्यवस्था बिना भेदभाव के पूरे प्रदेश के अंदर समान रूप से करेंगे। हमारी सरकार ने एक व्यवस्था लागू की है और व्यवस्था है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। और मुझे तो यहां आकर के लगता है जब मैं जौनपुर में आता हूं तो जौनपुर में इत्र की भी महक है तो आपकी इमरती देश और दुनिया में प्रसिद्ध है यहां की, तो इसको क्यों नहीं मंच मिलना चाहिए। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के हमारे विधायकों ने हमारे मंत्रियों ने आवास वितरित किए होंगे। 11 लाख आवास शहर और ग्रामीण क्षेत्र में वितरित कर चुके हैं। अकेले शहरी क्षेत्र में 1,60,000 से अधिक आवास हम लोग दिए हैं और हम लोगों ने तय किया है कि हम अगले वर्ष इस वर्ष तक हम लोग केवल शहरी क्षेत्र में 5,60,000 आवास उपलब्ध करवाएंगे। और नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री पहली बार मऊ आ रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियां भी वृहद स्तर पर की जा रही हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है, तैयारियों को लेकर कार्यक्रम स्थल पर मीटिंग की गई है। वहीं सुरक्षा को लेकर 3 कंपनी PAC और 2 कंपनी RAF और स्थानीय पुलिस को जगह जगह तैनात किया गया है। तो आज जिन 3 जगह पर जाना है, जौनपुर बलिया और मऊ, उनमें से आपको बता दें कि मऊ आज आखिरी जनसभा करेंगे आज के दिन की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तैयारी यहां पर पूरी कर ली गई है और मऊ के बाद गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी की मीटिंग के लिए
सुरक्षा की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें बाहर से जनपद का की फोर्स मिला हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने 3 कंपनी PAC और RAF भी आ जा रही है, 2 प्लाटून उसको भी इसमें यूज किया जाएगा। तो कल पहले चरण का मतदान होगा निकाय चुनाव में, इसके लिए पोलिंग पार्टी को जिला प्रशासन ने मतदान स्थल के लिए रवाना कर दिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया। पोलिंग पार्टी शाम तक मतदान स्थल तक पहुंच जाएंगी। वहीं ADME प्रभुनाथ सिंह ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर मतदान स्थल को कई क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें शहर से लेकर नगर पंचायत में बने मतदान स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो अब पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं अपने अपने मतदान स्थलों तक, क्योंकि कल मतदान होना है निकाय चुनाव में प्रथम चरण का। सुरक्षा प्रत्येक केंद्र पे जो है फोर्स तैनात है, उनकी जो है बूथ के हिसाब से तो नहीं होता है, केंद्र के हिसाब से होता है। साथ ही साथ CRPF के भी इसमें जो है पैरामिलिट्री फोर्स आ गए हैं, उनकी भी तैनाती जो है एरिया डोमिनेशन के रूप में हुई है। और लखनऊ से है खबर, जहां राम मंदिर पर शिया के सुलह के फॉर्मूले में एक पेंच फंस गया है। तो अयोध्या विवाद सुलझाने की पहल पर LDA का ग्रहण लग गया। दरअसल जिस अमन की मस्जिद की बात हो रही थी और उसके लिए जो प्रस्तावित जमीन थी, उस पर यह मामला थोड़ा फंस गया है। जिस जमीन पर अमन की मस्जिद बनाने की बात हो रही थी, दरअसल वो जमीन एक कॉलेज की निकली है। शिया वक्फ बोर्ड की प्रस्तावित जमीन अब यहाँ पर अमन की मस्जिद उस पर बनने के आसार थोड़े कम नजर आ रहे हैं। मौलाना कल्बे सादिक ने यह जमीन एक निजी कॉलेज के विस्तार के लिए दी है। मौलाना सादिक ने LDA में इस कॉलेज के विस्तार का प्रस्ताव रखा। नजूल की इस जमीन का लीज रेंट भी कॉलेज जमा करा चुका है। तो जमीन को लेकर मौलाना सादिक के पुत्र कल्बे हुसैन का बयान आया है कि जमीन का 1,49,00,000 रुपए LDA में जमा है। कॉलेज के नाम जमीन आवंटन की राशि पहले ही जमा हो चुकी है। जब कॉलेज के विस्तार की राशि जमा है, तो फिर उस जगह पर कॉलेज के बजाय मस्जिद कैसे बनेगी? तो अब कुल मिलाकर जो एक फॉर्मूला निकाला था, हालांकि इस फॉर्मूले को भी स्वीकार किया जाता है नहीं, वो एक अलग बात थी, लेकिन बहरहाल अगर हम ऊपरी तौर पर देखें तो जिस जमीन पर अमन की मस्जिद बनाने की बात हो रही थी, फिलहाल अब वहां पर मस्जिद नहीं बन सकती, क्योंकि कॉलेज के लिए वो जगह दी जा चुकी है और बाकायदा इसके लिए उसके लीज की जो भी जमा राशि करनी होती है, वो भी जमा की जा चुकी है। सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक सुलह का फार्मूला जो निकाला था, उस पर पेंच फंसता नजर आ रहा है। दरअसल जिस जमीन पर अमन की मस्जिद बनाने की बात सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी कर रहे हैं, उस जमीन पर दरअसल लखनऊ विकास प्राधिकरण में वो जमीन प्रस्तावित है कि स्कूल के, निजी स्कूल के विस्तार के लिए, और उसका बाकायदा पैसा भी जमा है लखनऊ विकास प्राधिकरण में। और हम बात करते हैं जिन्होंने पैसा जमा किया है उनसे, कल्बे हुसैन साहब हैं हमारे साथ में, हम इनसे बात करते हैं। सर, ये जो जमीन है जिस पे ये अमन की मस्जिद की बात कर रहे हैं, ये इस जमीन को आपने क्या कोई पैसा जमा किया है इस जमीन को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण में? क्या ये पूरा मामला है जिसमें अमन की मस्जिद की बात की जा रही है? पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि 72 साल से सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है ये मस्जिद, तो हिंदू मुस्लिम एकता जरूरी है और साथ साथ शिया सुन्नी एकता भी जरूरी है। तो ये सिर्फ वसीम रिजवी साहब बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे जी। लेकिन क्या शिया वक्फ बोर्ड 72 साल से सो रहा था? उसको अब क्यों ख्याल आया? और पिछले बहुजन समाज पार्टी और सपा का रिजिम था, जब गवर्नमेंट थी, सरकारें थी, तब क्यों नहीं उन्होंने मुद्दा उठाया जा रहा? मार्च तक तो आलम खान साहब साथ टहलते रहे आप प्रचार करने सपा का जी। अचानक सत्ता परिवर्तन होता है और आपको एहसास होता है कि ये मंदिर की जमीन है, जबकि ये हमारे यूनिटी कॉलेज को अलॉट हो चुकी है और उसका पैसा भी LDA में जमा है, आप चेक कर सकते हैं। 16 जून 2015 को पूरा पैसा जमा हो चुका है विद एडवांस रेंट। तो ये हमारे साथ थे कल्बे हुसैन साहब, इनका साफ कहना है कि जिस जमीन की बात की जा रही है उसका बाकायदा वर्ष 2015 में LDA में पैसा जमा हो गया है, और उस जमीन पर आखिर कैसे अमन की मस्जिद बनाने का और अयोध्या विवादित मामले का सुलह का फार्मूला वसीम रिजवी ने पेश किया है। तो कहीं ना कहीं एक बात साफ है कि अयोध्या मामला जब से शुरू हुआ है, इसमें चेहरे चमकाने की भी सियासत लगातार जारी है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ संकेत मिश्रा, समाचार प्लस, लखनऊ। और ग्रेटर नोएडा में समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। सागर हत्याकांड में SSP गौतम बुद्ध नगर ने कार्रवाई की है। शस्त्र लाइसेंस जमा नहीं कराने पर चौक इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। धनकौर थाने में तैनात उप निरीक्षक प्रीतम सिंह को निलंबित किया गया है।
क्योंकि चुनाव में जब यहाँ पर आचार संहिता लागू होती है और जब चुनाव होते हैं तो शस्त्र लाइसेंस भी जमा कराने होते हैं, तो लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी के भाई पर आरोप लगा है हत्या का, और जिसकी हत्या की गई है वो बीएसपी को सपोर्ट करते थे, तो कहीं ना कहीं चुनावी रंजिश के चलते युवक को मौत के घाट उतारा गया है। और लाइसेंस रिवॉल्वर से युवक सागर को गोली मारी गई थी, तो इसके बाद अब निलंबित किया गया है यहाँ, और जो कार्यकर्ता हैं बीएसपी के उन्होंने मृतक सागर की हत्या को लेकर काफी हंगामा भी किया है। बीएसपी कार्यकर्ता उसे बता रहे हैं पुलिस ने एक आरोपी मनोज को गिरफ्तार किया है और बीजेपी प्रत्याशी के भाई यानी कि जो मुख्य आरोपी है उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और आगे बढ़ेंगे, खबर हमीरपुर से है जहां एक शैतान ससुर ने अपनी विधवा बहू को आग के हवाले कर दिया और जिसमें बहू 90% जल गई है। बहू पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। देवर के साथ प्रेम प्रसंग के चलते ससुर जल्लाद बन गया, तो फिलहाल महिला 90% जल चुकी है और गंभीर हालत में सदर हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने पुलिस को बयान दिया है और उसमें कहा है कि ससुर ने जलाते समय कहा मेरे बेटे को खा गई हो तुम, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो थाना सुमेरपुर के देवगांव की घटना है जहां एक ससुर ने अपने बहू को मिट्टी का तेल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि संपत्ति का विवाद भी था और ससुर का ऐसा शक था कि अपने देवर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसके बाद उसे जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। ससुर जलाया, नंद भी रही साथ। क्यों? झगड़ा था। क्या झगड़ा था? तीखा का मार है। सामान खत्म हो गया तो पास आ और तब अलग कुटिया से रख है। अब दो तीन दिन से इनका माना मतरा है कि यह से चाह भाग जा, चाह चली जा, चाह काट जा, चाह मर जा, तो कहाँ काट भग जाओ नहीं कहूँ गया तो कहते हम मार। कैसे जलाया? पेव खाओ है ना, दोनों जने सास बाप भी किया मारो है ना, मन पेव डाल के वादी में। मथुरा में एक महिला की हत्या से हड़कंप मच गया। घर में सो रही महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने घर में घुसकर विवाहिता को मौत के घाट उतारा। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। तो ये महिला अपने बच्चों के साथ रहती थी, पति 3 साल से लापता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। आज ही रात में सूचना मिली 3 बजे करीब 100 नंबर पे कि ग्राम महोली में एक महिला की हत्या हो गई, जिस पर पुलिस से मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पंचायत नाम भर के पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है, सारी छानबीन की जा रही है। और खबर मेरठ से है जहां आरएसएस कार्यकर्ता सुनील गर्ग की हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है और 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कातिलों ने अपनी फैक्ट्री में बुलाकर घटना को अंजाम दिया था और हत्या के बाद शव को बोरे में बंद कर नाले के पास फेंका था। बसंत, आशु और अशोक नाम के 3 लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। 1 लाख रुपए का लेन देन था और बसंत से विवाद चल रहा था और अपने पैसे लेने ही सुनील गर्ग वहां पहुंचा था बसंत की फैक्ट्री में, जहां उसकी हत्या कर दी गई। मथुरा में एक शादी समारोह में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हर्ष फायरिंग के दौरान 5 गोली लगने से घायल हो गए 5 लोग और मामला थाना कोतवाली इलाके का है जहां अछनेरा से आई एक बारात में हर्ष फायरिंग हुई और 5 लोग घायल हो गए। इसके बाद आनंद फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अभी बारात आई थी अछनेरा से और संभवतः 4-5 लोग इंजर्ड है उसमें, और जो गाड़ी है क्वालिस इसके ऊपर 4-5 निशान गोलियों के बने हुए हैं, तो इसमें हर्ष फायरिंग का तो अभी तक नहीं लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। पर संबंधित की जांच की जा रही है और जो कार्टेज थे यहाँ पे कब्जे में लिए गए हैं, इसके बाद जांच के बाद हम बताएंगे। एक व्यक्ति जो ज्यादा सीरियस है उसको आगरा में रेफर कर दिया गया। फरुखाबाद के कारागार में युवक की मौत के मामले में पुलिस ने यू टर्न ले लिया है। पुलिस ने पुराने केस को झुठलाते हुए मामले को नया मोड़ दिया है और निरीक्षण करने के बाद इंस्पेक्टर और मुंशी को निलंबित करते हुए युवक के पिता की तहरीर पर वी मार्ट शोरूम के मालिक और व्यापारी प्रतीक गर्ग और चोरी के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराने वाली सैनिक के अलावा 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि बीते शनिवार पुलिस ने बाइक की चोरी के आरोप में हवालात लाए गए युवक को की मौत के बाद उसके मौत को खुदकुशी का बयान दिलवाया था, लेकिन अब एसपी ने मार्ट मालिक और व्यापारी को नामजद कर युवक की हत्या का मामला दर्ज कर लिया।
लोग हम और प्रतीक भाई कायमगंज गए हुए थे तगादे पे, वहाँ उड़नदस्ता वालों गाड़ी भी चेक की थी। एक बजे यहाँ से निकले थे, करीब 6 बजे लगभग वहाँ से वापिस आए। यूपी में सड़क हादसों की वजह से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई है और साथ ही सरकार से 31 नवंबर तक जवाब भी मांगा है। तो सर्वोच्च अदालत से फटकार के बाद परिवहन विभाग नींद से जागा है और अब हर बुधवार को हेलमेट एवं सीट बेल्ट दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। सड़क हादसे में यूपी देश में अव्वल, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। सड़क सुरक्षा पर जागा परिवहन विभाग, प्रत्येक बुधवार चलेगा जागरूकता दिवस। हमारे देश में सड़क हादसों से जुड़े मौत के भयावह आंकड़े सभी के सामने हैं। सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामले में यूपी पूरे देश में पहले नंबर पर है और दिन ब दिन हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2015 में यूपी में हुए सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या 17,666, जो साल 2016 में बढ़कर 19,320 हो गई। पिछले 7 साल के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसों में मौत का शिकार हो चुके हैं। सड़क हादसों के इन भयावह आंकड़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और राज्य सरकार से 31 नवंबर तक सड़क हादसों की रोकथाम के उपायों को लेकर अपना जवाब मांगा है। इसके बाद हरकत में आए परिवहन विभाग ने अब सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को हेलमेट एवं सीट बेल्ट दिवस मनाने का फैसला लिया है। तो उसमें एक्सीडेंट अवश्य होता पर उसमें इंजरी और फेटलिटी कम होती, तो ये सोच करके हम लोग ने सोचा कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए। और अवेयरनेस के लिए अभी सर्वप्रथम जैसे पब्लिक की, जनता की धीमे धीमे आदत पड़ जाए हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए, एक दिन सप्ताह में प्रत्येक बुधवार हम लोग इस पे अभियान चला करके सीट बेल्ट और हेलमेट की चेकिंग करेंगे। हेलमेट और सीट बेल्ट दिवस अभियान में गृह विभाग भी परिवहन विभाग का पूरा सहयोग करेगा। दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग के लिए जागरूक किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हफ्ते में 2 दिन करेंगे, फिर हफ्ते में 3 दिन करेंगे, जबकि जब तक कि पूरी जनता को ये आदत ना हो जाए, जन सामान्य को आदत हो जाए कि हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना है। जैसे कि दिल्ली में अगर लोग जाते हैं तो दिल्ली का बॉर्डर, जैसे यूपी से अगर दिल्ली जा रहे होंगे तो दिल्ली के बॉर्डर में क्रॉस करते ही सीट बेल्ट बांध लेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग होना शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार का माहौल हम लोग यूपी में भी गठित करने जा रहे हैं। ये विशेष अभियान यूपी के मेट्रो सिटी और छोटे शहरों के अलावा नेशनल हाईवे और जिलों के मुख्य संपर्क मार्गों पर भी उन जगहों पर चलाया जाएगा जहां परिवहन विभाग ने पहले से ही ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हुए हैं। सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामले में पूरे देश में यूपी के सबसे आगे होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अब इसके बाद राज्य सरकार भी इस ओर सक्रिय होती नजर आ रही है। परिवहन विभाग ने गृह विभाग के सहयोग से सप्ताह के प्रत्येक बुधवार हेलमेट एवं सीट बेल्ट दिवस मनाने का निर्णय लिया है, ताकि वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट बांधने को लेकर जागरूक किया जा सके और सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या को कम किया जा सके। लखनऊ से कैमरामैन अमित सानी के साथ हरेंद्र चौधरी, समाचार प्लस। और जापान से वाराणसी पहुंचे 50 से ज्यादा जापानियों ने पिंडदान किया। ये सभी जापानी 30 साल पहले हिंदू धर्म अपना चुके हैं, जिनके बाद अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए काशी के मणिकर्णिका घाट पहुंचे। दरअसल जापान से आए ये लोग 30 साल पहले चेन्नई की एक संस्था से जुड़े थे, जिसके बाद रामायण पढ़ने के बाद लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। वहीं जापानी धर्मगुरु मसाहिडे उमा के साथ जापान से आए लोगों ने काशी में अपने अपने पितरों के तर्पण के लिए पिंडदान किया। आ चुके हैं, तो गए बार भी आके इन्होंने पिंडदान किया, तो ये बार उनका जो ग्रुप है मतलब तकरीबन 50 जन आए हैं जापान से। फिर उन्होंने वहाँ जाके उपदेश दिया कि ऐसे ऐसे करना है, तो 50 जन को लेके अभी वाराणसी आए हैं। यहाँ से आगे चल के भी कार्यक्रम है मथुरा वृंदावन आगरा वगैरह जाकर के, फिर जापान। हिंदू धर्म मानते हैं वहाँ, काफ़ी सारा डिस्कोर्स देते हैं, काफ़ी बुक लिख चुके हैं हिंदू धर्म के बारे में, और यहाँ जो भी उनके साथ आए हैं सब उनके भक्तजन हैं।